नंबर वन है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग. तो बेटा रिडक्शन कहेंगे तो ये जो सेल है दैट इज इस सेल में यहाँ ऑक्सीडेशन है यहाँ रिडक्शन है, तो सिल्वर की रिएक्शन बतानी है आपको. दैट मीन्स ये सिल्वर ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये सिल्वर में चेंज हो जाएगा, और जो भी मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन दे रखी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं. तो इट विल बी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ऑफ सिल्वर. ठीक है, ऑक्सीडेशन की अगर कहेगा रिएक्शन लिखनी है तो कॉपर ये है, कॉपर प्लस टू में जा रहा है वॉट एवर, और ये टू इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन होगी. और उसके बाद दोनों रिएक्शन जोड़ के फाइनल सेल की रिएक्शन बनती है. दोनों सेल की रिएक्शन जोड़ेंगे कैसे, पहली इक्वेशन को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करते समय आपको दिख जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और अब ये हो जाएगा सिल्वर आयन स्क्वायर कह लो या दिस वन प्लस कॉपर गिविंग यू कॉपर आयन एंड सिल्वर. तो ये ओवरऑल इक्वेशन थी जिसको हमने दो हाफ रिएक्शन में ऐसे लिख लिया था. नेक्स्ट सेकंड है फाइंड द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल. देखिए इसमें ई नॉट दे रखा है दोनों का और कंसेंट्रेशन वन मोलर दे रखी है, तो ईएमएफ निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है. क्यों दिक्कत नहीं है, सेकंड वाले केस में दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, ये होता है ई सेल, और इसके बाद 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू होता है. यहाँ कंसेंट्रेशन वन मोल दे रखी है, वन का स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो वन ही आएगा बच्चों, तो ये log 1 जीरो हो जाएगा और log 1 जीरो होते ही ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे. तो आपका जो E सेल आ रहा है, E नॉट सेल आ रहा है, वही इस क्वेश्चन का E सेल है. थर्ड क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द एनोड एंड कैथोड इन द फॉलोइंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. दो एलिमेंट है उनके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखते हैं, एनोड और कैथोड बनाना है. कॉमन सेंस क्या लगाते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिड्यूस होगा और अगर रिड्यूस होगा तो कैथोड होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो एनोड होगा. तो यहाँ जिंक की वैल्यू, ओ हो बेटा जरा ध्यान से देखना, जिंक का ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का कौन सा दे रखा है, रिडक्शन. फिलहाल साफ दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला एनोड होता है, तो जिंक एनोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो फिलहाल जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड. फोर्थ है प्रिडिक्ट द एनोड एंड कैथोड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू. देखो साफ लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, भले उसने लिखा कुछ है, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है. फिलहाल निकल जो है, निकल जो है दैट इज इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मीन्स रिडक्शन कम है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एनोड है. तो निकल इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड. बहुत सरल क्वेश्चन है ये. एंड अगेन फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम, फिफ्थ में भी यही कहा गया है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, शायद रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट सेल दे रखा है वन मोलर के लिए है, तो ई इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड आपने करना है, और मुझे जो ऑब्जेक्टिव लग रहा है 0.2425 आ जाएगा, और ऑब्वियसली ये माइनस का 0.25 आएगा आपका जब आप रिडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ना क्वेश्चन में कह दिया है रिडक्शन पोटेंशियल बताइए, दिस वन इज रिडक्शन. तो फिफ्थ का आंसर ये है. तो पहले फाइव में किसी को अगर दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि मैंने तो खाली जल्दी जल्दी पढ़ के और जो जल्दी जल्दी आंसर है मैंने बता दिया, इसे एक्सप्लेन करना नहीं कहते, बहुत इजी था तो मैंने जल्दी बोल दिया. पहले फाइव में कोई दिक्कत है, एक बच्चे को फिफ्थ में दिक्कत है. बेटा फिफ्थ वाला ये क्वेश्चन था कि शायद ऐसे था, निकल ओब्लिक निकल आयन एंड सॉल्ट ब्रिज कॉपर आयन ओब्लिक कॉपर, ये क्वेश्चन था फिफ्थ. और इस फिफ्थ क्वेश्चन में ये वन मोलर था, ये भी वन मोलर था, ठीक है बच्चों, दोनों ही वन मोलर थे, और सेल का ईएमएफ दे रखा है, सेल का ईएमएफ शायद 0.59 वोल्ट था, और कॉपर वाले सेल का ईएमएफ जो है दैट इज Cu प्लस टू ओब्लिक कॉपर, ये हमें मालूम होता है 0.34 वोल्ट होता है प्लस का 0.34, और इन वैल्यूज से हमें निकालना था निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, और शायद ये मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ ये E नॉट ही गिवन था, है ना, वॉट एवर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, और हमें मालूम है इस समय ये वैल्यू वन है तो यहाँ लॉग वन ही आना है, लॉग वन जीरो है तो ये पूरा टर्म हट जाएगा. तो अब हमारी इक्वेशन जो बची है
वो इस समय ये बची है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई सेल या ये 0.59 दे रखा है, और ई नॉट सेल होता क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पे कैथोड की वैल्यू 0.34 दे रखती है और ई एनोड हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो हम निकालेंगे वो रिडक्शन ही आएगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड हमारा आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर गया वो इधर आया, तो ई नॉट एनोड और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, या हम पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा ई नॉट एन आई प्लस टू टू एन आई हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, और ये आ रहा है 0.34 माइनस 0.59, तो ये आ गया माइनस 0.25 वोल्ट। तो जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है बेटा, जिसको जिसने भी 5 क्वेश्चन नंबर पूछा था क्लियर, वेरी गुड। अच्छा क्या वीडियो अब साफ आ रही है आपको, क्या वीडियो साफ आ रही है, क्योंकि बीच में ठीक है अब साफ आ रही है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अगर एक आध को क्लियर नहीं आ रही तो मे बी कहीं सिग्नल का थोड़ा बहुत इश्यू होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो पहले 5 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, जो बच्चे आज फर्स्ट डे हमसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उनको बता दूं ये तरीका है हमारा, हम आपको क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, प्रॉब्लम्स आप अपने और भी किसी बुक से कर सकते हैं, और आप उसका स्क्रीनशॉट या उसको व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे क्वेश्चंस को, फिर हम क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दो बच्चों ने अभी कहा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट दिस वन ई नॉट फॉर सेल। बेटा इस वाले क्वेश्चन में जो है ना, आप समझ रहे होंगे कैलकुलेट ई नॉट सेल, और आपको ये लग रहा होगा यार निकालें कहां से, वैल्यू तो है ही नहीं, ना तो जिंक की है ना आयरन की है, तो ये मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होती हैं वैल्यूज, अगर हमने आपको यहाँ नहीं दिया है या बुक में यहाँ नहीं दी है, दैट मीन्स पीछे जो टेबल्स है ना उन टेबल्स में से देख के निकालनी है, और मुझे भी याद नहीं जिंक की तो चलिए 2-3 बार आ गई 0.77 या 0.76 वोल्ट होती है, और आयरन +3 +2 की वैल्यू पीछे से देख के लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें आप इतना टेंशन मत लीजिएगा कि ये वैल्यूज सारी याद करें, नहीं गिवन होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो भी पूछा, आई होप तो उन बच्चों ने ही पूछा होगा कि यहाँ ये जो आयरन +3 और आयरन +2 है ये कैसे निकालेंगे, तो भैया ये गिवन होगा, आप चिंता ना करें, और कोई डाउट है तो पूछिए। गुड, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए भैया, 7th क्वेश्चन क्लियर है, 7th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 इक्वेशन दे देते हैं, विच कॉम्बिनेशन रिजल्ट टू द लार्जेस्ट पोटेंशियल, तो हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में एक बच्चे ने पूछा है क्या प्लेटिनम को इग्नोर करना है, मैं आपको फिर बता दूंगा, वैसे मैंने थ्योरी की शीट दे रखी है आप देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोड हमारी 4 तरह की होती है, 4 तरह की इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, मेटल मेटल आयन जिनके ये पोटेंशियल गिवन है वो मेटल मेटल आयन है, गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन है, गैस इलेक्ट्रोड है जहां प्रेशर भी दे सकते हैं, और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जिसमें जैसे प्लेटिनम की वायर है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो करा सकता है बट वो खुद टेक पार्ट नहीं करेगा, तो ये वो प्लेटिनम है, और ये आयरन +3 और +2, ये आयरन +3 से +2 +2 से +3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो प्लेटिनम का इसमें सेल रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें प्लेटिनम को आपको इग्नोर करना है, जब आप रिएक्शन लिखेंगे प्लेटिनम कहीं दिखाना नहीं है, इस सेल के इस रिप्रेजेंटेशन में तो दिखाना है लेकिन सेल की रिएक्शन में नहीं दिखाया जाएगा प्लेटिनम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th का जो कंसेप्ट है, आप क्या करें जब मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना हो ना, तो दोनों डायरेक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए, मतलब माइनस में सबसे ऊपर और प्लस में सबसे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू बेटा ये वैल्यू ओके ये -1.25 है और ये +1.25 है, इसके अलावा कोई इससे ऊपर जाती हुई वैल्यू है नहीं, तो इन दोनों बी और सी के कॉम्बिनेशन में बेस्ट सेल बनेगा। एक बार प्रूफ करते हैं ये बेस्ट सेल क्यों है, तो बेटा प्रूफ कैसे किया जाएगा ये बेस्ट सेल है, भैया आपने पढ़ रखा जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी ऑक्सीडेशन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड होगा, तो -1.25 ये जो है ये एनोड की तरह काम करेगा और +1.25 कैथोड की तरह,
और ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू आ रही है 2.5 वोल्ट। आप किसी भी कॉम्बिनेशन और से इतना वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे, और किसी और कॉम्बिनेशन से इतना वोल्ट नहीं आ रहा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों है ये प्रूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7th में कोई डाउट है पूछिए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7th में किसी को डाउट है? नहीं है, गुड। क्वेश्चन नंबर 8th है बच्चों। यहाँ पे द फॉलोइंग हाफ सेल, दो हाफ सेल दे रखे हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ जिंक एंड आयोडाइड टू कॉपर आयोडाइड टू दिस। तो ये क्वेश्चन आपका अगर किसी ने किया हो, अरे यार लेकिन क्वेश्चन आसान कर दिया, क्योंकि ये फिर वन मोलर कर दिया है, और अगर वन मोलर कर दिया तो डायरेक्ट ही हो गया है टू हाफ सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द वोल्टेज, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। तो ये वाली वैल्यू आपकी फिर से वही आ गई, दैट इज माइनस 0.76 को प्लस कर लीजिए और उसमें से ये घटा दीजिए, दैट इज कितना आया बेटा 0.59 के आसपास कुछ आ रहा होगा। 8th का आंसर है ना, इसमें नीचे देख लीजिए, 8.59 आ रहा है प्लस। ठीक है, डन। नेक्स्ट बताइए भैया, पहले 8 में कोई दिक्कत, फर्स्ट 8 में कोई डाउट? मुझे मैक्सिमम बच्चों से उम्मीद है वो इसलिए 1 भी नहीं टाइप कर पा रहे क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन्हें क्वेश्चन में अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। 3-4 बच्चे आंसर दे रहे हैं, सात्विक ने दिया, अभिषेक ने दिया है, रनम दिया, ध्रुव ने दिया और अन्य, ये 4 या 5 बच्चे ही दे रहे हैं आंसर मुझे, बाकियों ने तो 1 भी लिखने में दिक्कत कर रहे हैं, सार्थक ने। ठीक है, तो पहले 8 हमारे हो गए हैं और जो बच्चे आंसर देना चाह रहे हैं, ठीक है, चलिए 9। ओके, हाँ बेटा सेम, ये बच्चा ठीक कह रहा है, क्या सी यू आई में क्या करें हम ये? बेटा मैंने आपसे कहा ना, इलेक्ट्रोड 5-4 तरह की है, उसमें एक इलेक्ट्रोड सॉल्ट इलेक्ट्रोड भी होती है, और ये सी यू आई वाली सॉल्ट इलेक्ट्रोड कहलाती है, यानी यहाँ पे सॉल्ट लगा होता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ होता है, तो यहाँ सी यू आई एक सॉल्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। फिलहाल इसके आयोडाइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है ना, वो स्पीशीज देखी जाती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉपर लूज कर रहा है तो उसी को देखना है। एक बच्चे ने कुछ पूछा है सॉल्ट ब्रिज, हाँ बेटा सॉल्ट ब्रिज का क्या मतलब है? तो कॉमन सेंस की बात है, सॉल्ट ब्रिज तो हमेशा होगा, ये हो तो वही दोनों कंपार्टमेंट में ही रहे हैं, ये सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है, तो सॉल्ट ब्रिज से कोई वो मतलब सॉल्ट ब्रिज है इसमें भी, तो ऐसी बात नहीं। 9th इक्वेशन गिवेन है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस वन इज दिस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस? बेटा 9th इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली ये ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल दे रखा है। मतलब अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट का दे दिया है, और कोबाल्ट प्लस 2 लिख दिया उन्होंने, तो अगर ये कोबाल्ट प्लस 2 लिखा है, देखो भाई कुछ कहते हैं, वैसे तो कह रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो कोबाल्ट और कोबाल्ट प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल हमें मालूम है, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस? तो एक सरल क्वेश्चन को मानते हुए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन आपको करना है, 9th क्वेश्चन, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और E नॉट सेल की वैल्यू आपसे बोली गई थी 1.89, ये E नॉट सेल था। E नॉट कोबाल्ट वाला, देखो भैया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एनोड है, और E नॉट कैथोड आपको निकालना है, ठीक है, E नॉट कैथोड निकालना है, एनोड है माइनस के 0.28, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फिर प्लस होने के बाद ई नॉट सेल निकालेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.89 में से घटाई दो 0.28, और मुझे जो लग रहा है आंसर 1.61 लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर 1.61 मुझे लग रहा है, वो अभी हम चेक भी कर लेते हैं, दैट इज 9th का आंसर, ठीक है 1.61 ही है 9th। बोलो बच्चों 9th क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, संजना सात्विक आयुष ध्रुव, ये 5 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं, 5 बच्चे, बाकी बच्चे भी टेक पार्ट करें बेटा, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। 10th,
using standard electrode potential predict that in the reaction, using standard electrode potential predict the reaction if any occurs between Fe plus 3 and I negative. अब यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करके कहना है Fe plus 3 और I negative में कोई रिएक्शन होगी, ठीक है? क्या है, एक बार फिर समझिए, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, ये I Fe plus 3 से Fe plus 2 का दे रखा है, और ये वाली वैल्यू है 0.77 वोल्ट, ठीक है? और ये जो दे रखा है, चाहे तो इसे आप उल्टा करके लिख लें या वॉट एवर, ये दे रखा है आई नेगेटिव, सॉरी आई टू से आई नेगेटिव, ये दे रखा है 0.54 वोल्ट। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई रिएक्शन क्या Fe प्लस 3 से आई नेगेटिव की हो सकती है। तो अब एक बार सोचिएगा होना क्या है, Fe प्लस 3 प्लस 2 में जाएगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई नेगेटिव I2 में जाएगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I से I2 याना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, ठीक है? तो अगर आयरन का यहाँ प्लस 3 से प्लस 2 रिडक्शन होना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और उसका ऑक्सीडेशन, तो साफ दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 प्लस में है और ये वाली वैल्यू उससे ज्यादा है, 0.54 से ज्यादा है। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल आयोडाइड या आयोडीन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है और इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमने ये इक्वेशन लिख के दिखाई, अब इसका ई नॉट सेल निकालें। बेटा ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड आयरन है और एनोड हमारा आई नेगेटिव है, 0.54 है, ठीक है? ये भी प्लस में है, तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये आंसर प्लस में आ जाएगा 0.23, ये प्लस में आ रहा है, और अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो रिएक्शन होगी, और अगर आंसर माइनस में आता तो रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों आप समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10th था, बेसिकली 10th क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदला गया था, बाकी था वही कि दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और कहा है क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन बिटवीन टू इज पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होता है बिना लॉजिक लगाए E नॉट सेल निकाल दिया, E नॉट सेल प्लस में आ रहा है तो सेल फिजिबल है, माइनस में आ रहा है तो फिजिबल नहीं है, जीरो आ रहा है, इक्विलिब्रियम कह सकते हो, क्योंकि यहाँ कंसेंट्रेशन दे नहीं रखे, तो E नॉट सेल ही E सेल माना जाता है, तो E नॉट जीरो तो इक्विलिब्रियम, E नॉट पॉजिटिव आना चाहिए रिएक्शन दिखाने के लिए, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस करने के लिए, और E नॉट सेल नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो E नॉट सेल कैसे निकालते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लगा दीजिए, और अगर आंसर प्लस में आएगा तो। तो ये थे क्वेश्चन नंबर आपका 10। बताइए बेटा 10 क्लियर है आपको? ध्रुव एंड आदित्य खत्री दो जनों को आ गया है, जयंत एंड संजना चार को आ गया है, और अभिषेक गर्ग एंड कार्तिक छह को आ गया है, एंड कार्तिक देवनानी एंड आयुष गंगवार को आ गया है, दिव्यांश को डाउट है प्रथम को आ गया है, ठीक है? दिव्यांश को डाउट है और अंश वर्मा आ गया है, दिव्यांश कह रहे हैं दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं बेटा अभी एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, अरुषियन क्लियर। तो एक बारी एक बच्चे ने पूछा है तो दोबारा बता दूं क्या पूछना चाहते हैं, ये समझिए होता क्या है ना, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने दो तीन कराए हैं आपको, बट रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था कि एक एलिमेंट ए है और ए नेगेटिव में चेंज हो रहा है, जैसे आई टू वाला था, और दूसरा एलिमेंट बी प्लस है या बी प्लस टू है या प्लस थ्री है और B प्लस टू में जा रहा है, व्हाटएवर, ये इक्वेशन दे रहे हैं, और इसका भी उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, ठीक है? और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये दोनों गिवन है, और उसके बाद उन्होंने कोई एक रिएक्शन कह दी थी हमसे, जैसे उन्होंने हमसे रिएक्शन शायद ये कही थी A नेगेटिव और B प्लस थ्री, क्या ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे? तो हम ये देखेंगे कि A नेगेटिव हमारा काय में जाएगा, A में जाएगा, A नेगेटिव से A लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन है, और B प्लस थ्री से B प्लस टू यानी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन है। तो बेटा ये पहचान लीजिएगा किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो A आयन का हमारा ऑक्सीडेशन है, ये एनोड हो गया, B आयन का रिडक्शन है, कैथोड हो गया, और सेल का E नॉट निकाल के देखिएगा और वो E नॉट आएगा कैथोड माइनस एनोड, एंड ऑब्वियसली अगर आपने ये वाली वैल्यूज पुटअप की यहाँ कैथोड एनोड और ये आंसर प्लस में आ गया तो ये रिएक्शन संभव है,
और अगर माइनस में आया संभव नहीं है। तो लॉजिक लगाने से अच्छा है मैथमेटिकल वैल्यूज लगा के सॉल्व। बाकी आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भैया रिडक्शन जिसका होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ रिडक्शन बी का हो रहा है तो बी का रिडक्शन जब बी प्लस थ्री का रिडक्शन पोटेंशियल ए माइनस के रिडक्शन सॉरी ए के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए तभी ये रिड्यूस हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता तो ये रिड्यूस हो जाता है। इसलिए बोलो बेटा जिस बच्चे ने पूछा था क्या आपको क्लियर है, जो भी आपने पूछा था जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं सॉल्व करूंगा बताऊंगा। तो ऑब्वियसली पहला टारगेट उसी बच्चे पे होगा कि आपको समझ में आ गया कि आप सेटिस्फाई हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th। देखो फिर से वही है, कैन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। अब आपको ये पूछना है, ये जो कह रहे हैं ना कैन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, तो कहना क्या चाहते हैं ये? अगर आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं तो ये लगेगा आपको कि ये AgNO3 का सॉल्यूशन है, ये कॉपर का वेसल है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से कंसेप्ट पे आए, Ag की वैलेंसी प्लस वन है यहाँ और कॉपर की जीरो है, और अगर इनमें रिएक्शन हो गया तो कॉपर प्लस वन या प्लस टू में चला गया, Ag जीरो आ गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन और ये एनोड की तरह काम करेगा, सिल्वर का रिडक्शन और ये कैथोड की तरह काम करेगा। और अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.8 प्लस में 0.79.8 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34। समझ में आया? तो दोनों के अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको पता है तो सिल्वर और कॉपर में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिड्यूस हो जाएगा, सिल्वर रिड्यूस हो गया यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब हाँ वही वाला पॉइंट कहना चाहता हूँ बेटा कि कॉपर इज प्रेजेंट अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, और अगर कॉपर सिल्वर को हटा देगा तो कॉपर डिसॉल्व हो गया, तो हमने जो बर्तन लिया था वो बर्तन घुलने लगा, दैट मींस वी कांट स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर वेसल। तो एक तो हुआ ये पूरा एक्सप्लेनेशन, दूसरा हुआ चुपचाप मैथमेटिक्स पे आ जाओ। वो मैथमेटिक्स क्या कह रही है, इक्वेशन लिखी, कैथोड एनोड पहचाना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड किया, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड प्लस में आया तो रिएक्शन हो गई, और अगर रिएक्शन हो गई तो सत्यानाश हो गया। क्यों क्यों सत्यानाश हो गया? कि हम चाहते थे कॉपर के कंटेनर हो, सिल्वर बैठा रहे, सिल्वर बैठा नहीं रहा वो तो रिएक्ट कर गया, तो सिल्वर नाइट्रेट जो हमने वहां रखा तो वो इसकी कॉपर की वॉल्स को गलाने लगेगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो दैट मीन्स दो तीन तरीके हैं, कुछ बच्चों को इजीली समझ में आता है कौन किसे डिस्प्लेस करता है उससे। हाँ बिल्कुल सही है कि आप कह सकते हैं कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर ने, वहां से समझ लीजिए, वेरी गुड। कुछ कहेंगे ई नॉट सेल निकाल के देख लिए प्लस आया, वहां से समझ लीजिए, वेरी गुड। कुछ कहेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है इसका कम है, यहाँ से समझ लीजिए, जहां से आप कंफर्टेबल है वहां से समझ लीजिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11th, और 11th का आंसर है नो, मतलब स्टोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ बटल सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा बटन सेल में हो सकता है ये भी रिएक्शन हो रही हो, और इन्होंने कहा है डेल्टा जी नॉट सेल बताना है और ई नॉट सेल भी बताना है, ठीक है। ई नॉट जिंक का दे रखा है और ऑब्वियसली दूसरा हाइड्रोजन है इसमें, जहां तक मुझे लग रहा है नहीं हाइड्रोजन नहीं यार, देना चाहिए इन्हें सिल्वर जिंक। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये जिंक जीरो में है और ये जीरो से प्लस टू जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर प्लस वन में है और प्लस वन से सिल्वर जीरो जा रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो मेन पॉइंट यही दो है, जिंक और सिल्वर दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जिंक का ऑक्सीडेशन है वो एनोड है, सिल्वर का रिडक्शन है वो कैथोड है। अब सिल्वर की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने यहाँ Ag2O Ag एंड OH की, वो जो दे रखी है वही लेंगे 0.34 माइनस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा। ध्यान रखा करो ये बात, ये जो पोटेंशियल दे रखा है इन्होंने ऑक्सीडेशन दे रखा है, जबकि हमारा ये फॉर्मूला रिडक्शन का होता है, तो ये ऐसे रखा जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो 7.6 और ये जुड़ जाएगा तो 1.106 या 101 कुछ ऐसा आंसर मुझे लग रहा है, 1.1 के आसपास का आंसर लग रहा है, आंसर नंबर 12।
आंसर नंबर 12, ठीक है 1.104 पहला आंसर सही है, और उसके बाद दूसरा आंसर है शायद गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे निकाली जाती है। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, इट इज द नेट एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू सम यूजफुल वर्क। तो वो एनर्जी जो बाहर एवॉल्व हुई है जिसको हमें वर्क में चेंज करना है वो एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, और फॉर्मूले में कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है वर्क डन। तो अब ये जो वर्क आएगा आपका, ये वर्क फिजिक्स में आपने अगर पढ़ लिया हो तो वर्क फिजिक्स की भाषा में होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भाषा में होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है शायद आपने पढ़ा हो ये चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, क्यू इंटू वी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया है माइनस, और ये लिखा है चार्ज इंटू पोटेंशियल क्यू इंटू वी। केमिस्ट्री में इन्होंने कहा है चार्ज कैसे लिखेंगे, तो केमिस्ट्री में कहा गया है कि वन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम एफ कहते हैं, दैट इज फैराडे नंबर। देखो कैसे बेटा, ये है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे। आई होप तो सभी बच्चों को पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। केमिस्ट्री में मोल भैया बड़े हिट हैं, तो चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन जब देखोगे तो ये मल्टीप्लाई आपको दिखेगी, ठीक है ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। तो ये मल्टीप्लाई आपकी आएगी नियरली 96480 या 85 या 490 कूलम कुछ आएगी, तो ये नियरली 96,490 कूलम आती है। तो इसे जिसने डिस्कवर किया उनने कहा भैया चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वन फैराडे, ठीक है उन्होंने फैराडे लॉ वॉज ही दिए होंगे। व्हाट इज वन फैराडे? वन फैराडे इज चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। फिर भैया उन्होंने कहा ये 96,490 है, 96,490 थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, तो इन्होंने थोड़ी सी मांडवाली करके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके 96,500 कूलम कर दिया। तो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आज की तारीख में हम 1F कहते हैं या 96,500 कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में होंगे कि 1F क्या है, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन है या 96,500 कूलम है, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर है क्योंकि ये एग्जैक्टली 96,500 है ही। अगर ये इंडिया में डिस्कवर होता या मेरे द्वारा या मेरे जैसे किसी के द्वारा डिस्कवर होता, संभव बहुत कम है लेकिन फिर भी, तो भैया हम कहते अगर अप्रोक्सीमेट करो तो कायदे से करो यार, मतलब भावना तो आए अप्रोक्सीमेट करने की, कहने में मजा तो आए, कहां 96,500 लेके घूम रहे हम, कैसे 1 लाख कूलम, चाहे बीच में इधर उधर 96,000 95,000, नो डायरेक्ट 1 लाख कूलम, यहाँ हम 1 लाख कूलम कर देते हैं 96,500। भाई अप्रोक्सीमेट तो तुम भी कर रहे हो, तुम वही है थोड़ा सा कर रहे हो, 4-5-10-15 का कर रहे हो, हम 3-4 हजार का कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ में आना चाहिए। कौन सा यहाँ वैसे करंट पास कर रहे हैं जो किसी को लग जाएगा, ये फालतू पागल है, पागल बिल्कुल सही कह रहा है, बोले पागल है, बिल्कुल पागल। तो हम ज्ञानी है बेटा। तो ये था हमारा डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है? माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। और भैया चार्ज को क्या लिख सकते हो? भाई चार्ज को अभी समझाया ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? एफ, वन एफ, और जितने मोल इलेक्ट्रॉन के आ रहे हैं वो एन है, तो एन इंटू एफ आ गया चार्ज, ठीक है। हाँ ठीक है 96,500 लिख लेना बाद में, तो ये एन इंटू एफ आया क्यू की जगह, ठीक हुआ। और पोटेंशियल की जगह केमिस्ट्री में लिखा जाता है ई, तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। और जब उन्होंने कहा ना ना एक्सटेंडेड होता है एक्सटेंडेड, तो उनके एक्सटेंडेड में कहना ये जीरो और लगा ले, ले हो गए एक्सटेंडेड मेरे, ठीक है। तो उनके स्टैंडर्ड में ये नॉट और लग जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एक आध बच्चा पूछा यहाँ माइनस साइन क्यों था या कैसे था? बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या है, किसी ने एनर्जी लूज की है, किसी सिस्टम से एनर्जी निकली है, तो सिस्टम के लिए तो निकली है, वहां से तो एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया, हीट इज एवॉल्व, सराउंडिंग के लिए वो क्या हो गया? एंडो। तो जो भी उस एनर्जी को लेगा उसके लिए वो एंडोथर्मिक, यानी सिस्टम का एग्जोथर्मिक तो सराउंडिंग का वो एंडोथर्मिक है,
दैट इज रिवर्स ऑफ द प्रोसेस है. तो उसी लिए गिफ्ट फ्री एनर्जी को जब हम वर्क डन में चेंज करते हैं तो नेगेटिव. जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में किया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, ईएमएफ प्लस आना चाहिए जबकि डेल्टा जी माइनस आना चाहिए. तो ये वाली इक्वेशन हो गई भैया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई या माइनस एनएफई नॉट. तो जिस भी क्वेश्चन में अभी आपसे पूछा था कि भैया डेल्टा जी बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन में ई आपने निकाला है वो पुटअप करिए, एफ आपको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, ये सब पुटअप करिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दिस वन. तो ये क्वेश्चन था आपका आई थिंक तो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में ये था कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बताना है, और ये तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आप यहाँ से माइनस एन एस ई नॉट से पुटअप करके निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2.13 × 10^5 जूल करके देखिएगा. ठीक है, ओके 13 बेटा जल्दी देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा, आयने का नन है. बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए बी सी डी में, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है. वेरी गुड कार्तिक, वेरी फास्ट कार्तिक, वेरी फास्ट अभिषेक संजना, वेरी गुड. तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है इसका मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है. वेरी गुड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. आयुष ध्रुव आप भी देखिए, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसलिए ये आंसर आया. अच्छा हाँ बच्चों, एक पॉइंट और कहना है, बाद में भूल जाऊंगा शायद, तो अभी अनाउंस कर देता हूँ. एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज रिगार्डिंग टेस्ट. ठीक है, क्योंकि एक ही टेस्ट हुआ है और उसमें एक ही बच्चे ने उस समय अच्छे नंबर आ गए सरप्राइज टेस्ट में, उसी की फोटो चल रही है ग्रुप में, तो हम चाह रहे हैं कि आप मेहनत करो, उस फोटो को हटा के अपनी फोटो लाने की कोशिश करो. दो बच्चे टॉप करें, तीन करें, नकल नहीं करना. लेकिन तो अब हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके, और हमारे पास टेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है मॉर्निंग का, क्योंकि अल्टरनेट डेज में मॉर्निंग में क्लास होती है, तो मॉर्निंग में हम टेस्ट कर लेंगे अल्टरनेट में या कोई एक डे फिक्स करके. तो अब आप क्योंकि लगभग सारे बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सॉल्यूशन मेरा रह गया या डाउट है, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन हमारा इवन कॉम्पिटिशन लेवल का भी कवर हो गया एक तो शीट छोड़ के. तो हम पहला टेस्ट सॉल्यूशन का ले रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो वीक डेज है ना मॉर्निंग के, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहाँ की पढ़ाई ऐसे चलेगी. तो मैं चाह रहा हूँ वेंसडे को, कमिंग वेंसडे जो है, बुधवार जिसे कहते हैं, कमिंग वेंसडे को आपका मॉर्निंग में उसी टाइम पे, दैट इज 6:45 to 7:30 है, तो उसे 6:45 to 7:45 कर लीजिए या 6:30 to 7:30 कर लेंगे, आपका एक टेस्ट हो जाए. ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर का हो जाए. तो इस चीज को आप लिख लो टेस्ट, ठीक है, टॉपिक सॉल्यूशन. ऑब्वियसली बेटा दोनों लेवल का हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन पहला टेस्ट है तो ऑब्वियसली हम इसको ऑब्जेक्टिव ही रखना चाहेंगे. अभी पहला ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं कि बस आपको टिक करने और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो अभी मैं इसको ऑब्जेक्टिव ही रख रहा हूँ, क्योंकि ना सब्जेक्टिव की चेकिंग भी मेरे लिए मुश्किल है अभी आपसे, और होपफुली जो साइंस मिल रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है अगले एक दो हफ्ते में हमें कोचिंग का थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और व्हाटएवर. तो हम कह रहे हैं सारी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो टेस्ट देने तो हम बुला ही सकते हैं आपको इंडिविजुअल्स करके, जैसे 5 और 10 के ग्रुप में, तो टेस्ट सब्जेक्टिव आपके कोचिंग में हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं. ठीक है, टॉपिक हमारा सॉल्यूशन है, मोड ऑब्जेक्टिव है, टाइमिंग हमारा वही रख रहे हैं अभी हम 6:45 to 7:30. ठीक है, या थोड़ा 15 मिनट पीछे करना पड़ा तो कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में 45 मिनट में यानी लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नियरली 35 कर लेंगे, क्योंकि 45 मिनट का टाइम दे रहे हैं या थोड़ा दो चार आगे पीछे. हाँ डेफिनेटली बेटा गूगल फॉर्म पे ही टेस्ट लेंगे हम. ठीक है, गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट होगा, और अगर चेंज हो पाया तो देखता हूँ, फिलहाल गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट होगा. एंड एक पॉइंट और क्या रह गया था, सब्जेक्टिव को करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, टाइम है, डे डे आपका कमिंग वेंसडे कर देंगे. ठीक है, तो
जो नेक्स्ट वेंसडे है, आज की तारीख है 6-9 तारीख के आसपास जो भी होगा, 7 को संडे 8 मंडे 9 10 10 जून, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे, चलो मैं क्लास में ही डाल दूंगा अभी, ठीक है, ये आपका टेस्ट होगा। नाउ रिटर्निंग बैक टू अवर टॉपिक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, ओके, 14, 15, 16, 17 गायब ही है, 18 है, तो अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ 14 to 18। बेटा जल्दी से आप लोग खुद पढ़िए और जिसमें डाउट है वो बता दीजिए, मैं बस उसी को डिस्कस करूंगा। 14, 15, 16, 17, 16 and 18, बस यही 18 तक है। 14 to 18, एनी डाउट प्लीज टेल, 14 to 18 कोई डाउट है तो बताइए। ग्रुप क्लियर है, ओके, और बेटा हाँ पढ़ के देख लीजिए पहले एक बारी, तभी आप बताएंगे, इतनी जल्दी नहीं है। 14th एक बच्चे ने पूछा है, द पोजीशन ऑफ सब मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आर गिवन इन दिस, व्हाट विल हैपन इफ अ कॉपर स्पून इज एडेड। तो बेटा अगर आपने कॉपर स्पून लिया है तो कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर, तो कॉपर स्पून इज एडेड इन ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अगर सॉरी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो कॉपर का स्पून है, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर, तो सिल्वर को तो हटा, सॉरी क्या कहना होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम को तो नहीं हटा सकता ना, तो कॉपर विल नॉट डिस्प्ले डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, नथिंग विल हैपन बेसिकली, नो रिएक्शन इज हैपन, दैट इज डी आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन, क्योंकि क्वेश्चन एल्यूमिनियम का है सिल्वर का नहीं, तो उसको नहीं हटाएगा, गुड, जल्दी बताइए 15, 16 and 18, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी नाइस, लगभग सारे बच्चों ने कह दिया है ऑल क्लियर, नीचे आंसर दे रखे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे, डिस्कस करें। ट्यूटोरियल 2, ठीक है बेटा, ट्यूटोरियल 2 आपका होमवर्क है, ट्यूटोरियल 2 आपका होमवर्क है, और ये मंडे को डिस्कस होगा, ठीक है, ट्यूटोरियल 2 को हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें वैसे, अरे 12 ही है यार, और ट्यूटोरियल 3 में, बेटा ट्यूटोरियल 2 एंड ट्यूटोरियल 3 में जरूर एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो शायद आपने अभी नहीं किए हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं किया, ओके करा दूंगा, इसी के साथ करा दूंगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो ट्यूटोरियल 2 एंड 3 इज बेसिकली, ये दो ट्यूटोरियल 2 एंड 3 आर, ये आपके लिए होमवर्क में है, और इनको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ट्यूटोरियल 2 एंड 3, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। एक बच्चे ने कुछ यूटी के लिए कहा, बेटा ये मेरी गारंटी, आपके यूटी में इसके बाहर होपफुली नहीं देना चाहिए, वैसे स्कूल वालों को कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चैप्टर उठा के दे सकते हैं, फिर भी जिससे अगर कोई भी और टॉपिक, देखो सॉलिड स्टेट कह रहे हो तो कोई और टॉपिक आ रहा है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, बट प्लीज बिलीव दैट मैं नहीं चाहता जंप करके मैं आपको अलग से पढ़ा दूं या आगे पढ़ा दूं, बिकॉज अगर आप एक बार कोई चीज आधी पूरी भी पढ़ लेते हैं ना, तो आप जबरदस्ती हवा में आ जाते हैं, फिर आप जब रेगुलर बैच चल रहा होता है ना हमारा, फिर आप उतने इंटरेस्ट से बैठते नहीं, आपको लगता है हमें आता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि आधा पूरा आपको अलग से बुला के बता दूं। जैसे एक बच्चे ने कल बताया था कि उनके यहाँ 30 जून से अब जो भी है, तो ठीक है, तो ज़्यादा बेटर ये है कि जो आ रहा है, मतलब उनके यहाँ एक जबरदस्ती उन्होंने काइनेटिक्स छोड़ के सरफेस दे दिया है, ठीक है, मैं तो काइनेटिक्स भी कराऊंगा फिर सरफेस पे आऊंगा, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप भैया सरफेस अपने आप देखो, और अगर कहोगे तो मैं सरफेस पढ़ा दूंगा आपको इंडिविजुअली, बट उसमें आप ही का नुकसान, मतलब जैसे स्लो चल रहा है वैसे चल रहे, ठीक है, आपको इनफ टाइम मिलेगा भैया, पिछले साल वाले बोर्ड वाले अभी तक नहीं निपटे, मत चिंता करो कोर्स की, जिस ग्रैस्पिंग से हम चाहते हैं उस ग्रैस्पिंग पे कर लो, IIT तक के लेवल में कोई टेंशन नहीं आएगी, बिलीव मी, अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, हैव अ नाइस टाइम, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।